नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स, मैं हुकुम सिंह। आज हम मौजूद हैं राजनीति के एक ऐसे कार्यकर्ता के साथ जिन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है बीजेपी को मजबूती देने में, और निश्चित रूप से एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में उनका अच्छा खासा नाम है। हमारे साथ मौजूद है वो अच्छे से कार्यकर्ता विनोद जी चौधरी साहब। बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। धन्यवाद। आप विनोद जी साहब, राजनीति का आपने कई दशकों से एक सफ़र तय किया है लगातार, क्या मानते हैं कि उस दौर में जब राजनीति आपने प्रारंभ किया और आज का दौर कितना फर्क आ चुका है? राजनीति के सोच में फर्क आ चुका है, राजनीति में तो कोई फर्क नहीं है। राजनीति पहले भी वही थी, आज भी है, लेकिन सोच में जो व्यक्ति का जो सोच था वो आज के सोच में और पहले के सोच में फर्क आ चुका है। पहले लोग व्यवहारों को, संबंधों को, इनको तवज्जो दिया करते थे, आज कुछ सिलसिलेदार सी राजनीति हो गई। निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लगातार जब बात आगे करें, वर्तमान के दौर में आपका नौरगढ़ विधानसभा से भी नाम चल रहा है, वहाँ के लोगों की या यूँ कहें कि मूलतः बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ऐसी कई बार आलाकमान तक संदेश पहुँचाया गया कि हमें विनोद जी से कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो हमारा नेतृत्व करें। निश्चित ही मैं पार्टी से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। चूँकि राजनीतिक पार्टी में काम कर रहा हूँ इसलिए हर कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा भी होती है, और मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँ। मेरे कार्यकर्ताओं की, मेरे जो शुभचिंतक हैं उनकी भी यही इच्छा है, पार्टी मौका देगी तो अवश्य इसमें। क्या मानते हैं, वर्तमान में 5 साल सत्ता में आप रहे हैं और राजस्थान का जो ट्रेड रहा है 5 साल कभी ये 5 साल ये, तो जनता के बीच जा रहे हैं तो किन चीज़ों को लेकर जा रहे हैं? नहीं नहीं, इसमें ट्रेंड वाला कोई काम नहीं है। पहले लगातार कांग्रेस भी रही है, ट्रेंड ऐसा कुछ नहीं है। हमने, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खूब अच्छे कार्य किए हैं। जनता कार्यों को लेकर के काफ़ी आसान्वित है, आगे भी हम कार्य करेंगे उसके लिए भी आसान्वित है, और हर कार्यकर्ता भी उसके लिए हौसला अफजाई करके मैदान में जाएंगे और मैदान में बिल्कुल मुकाबला करके चुनाव लड़ेंगे और अवश्य जीत करके दोबारा सरकार बनाएंगे। मोदी जी मैजिक की बात करें तो जो 2014-13 में मैजिक देखने को मिला, क्या मानते हैं कि वो मैजिक लगातार बरकरार रहेगा? वो समय आएगा जब आप स्वयं अपने आप देखेंगे कि वो मैजिक आज भी है, कल भी रहेगा और आगे आने वाले समय में भी रहेगा। संगठन की जब बात करें, मदनलाल सैनी एक से संगठन के एक उदाहरण है जो सभी पार्टियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं कि एक कार्यकर्ता को इनाम मिले और इस कार्यकर्ता को इनाम मिले और वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। तो बीजेपी ने जिस तरीके से उदाहरण प्रस्तुत किया, कार्यकर्ताओं में किस तरह की सोच पैदा होती है? देखिए, जिस दिन मदन जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए तो प्रत्येक ग्रास रूट पे बैठा हुआ पीछे की पंक्ति के कार्यकर्ता ने भी ये सोचा कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सोचती है और कार्यकर्ताओं को उसके काम का परिणाम और उसका फल मिलता है। और मदन जी जिस दिन बने तो हर कार्यकर्ता में स्वतः स्फूर्ति आ गई कि हमको ऐसे पार्टी है जिसके अंदर अपन काम करते हैं तो उसका फल मिलता है। निश्चित रूप से कार्यकर्ता को फल मिलता है, ये कहना है विनोद जी चौधरी साहब का। और विनोद जी चौधरी साहब लगातार कई दशकों से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, इन दिनों नौगढ़ विधानसभा से इनका नाम चल रहा है। आने वाले दिनों में विनोद जी चौधरी जैसे कार्यकर्ता को जब पार्टी सिंबल देती है तो निश्चित रूप से कमल खिलने की संभावना भी बढ़ती है। आप देखते रहे राजस्थान टाइम्स, फिर मिलते किसी खास शख्स से।